हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमारा जो आप देख रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है, पावर वे सिस्टम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ, तो आप ये देख रहे हैं हमारे पास ये एक रेसो नोब है। अब रेसो नोब पर देख रहे हैं ये 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100 और 1000। ये आप ये देख रहे हैं हमारे, ये हमारे नॉन रेजिस्टेंस है। ये जो पहला रेजिस्टेंस है ये हमारा 1 की मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब है कि पहले पॉइंट पे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 और 10 ओम। दूसरा हमारा 10 की मल्टीप्लाई में है, तो पहले पॉइंट पर 10, दूसरे पर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यहाँ 100 ओम है। आप तीसरा देख रहे हैं ये हमारा 100 की मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब यहाँ 100 ओम, 200 ओम, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, यानी कि 1000, 1000 मीन 1 ओम, 1K, 1 किलो ओम। ये हमारा 1000 की मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ हमारा 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 10000 ओम मतलब 10 किलो ओम। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। ये हमारे दो पुश बटन हैं, एक बी और एक जी। बी बैटरी के लिए है, बैटरी कनेक्ट करने के लिए, और जी गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करने के लिए है। ये हमारे दो पॉइंट हैं जहाँ हम अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। अब मैं अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसको देख लेता हूँ पहले से ही ये कितनी वैल्यू का है मल्टीमीटर में। ये मल्टीमीटर में आप देख रहे हैं 92.4 ओम। ये वैसे इसकी एक्चुअल वैल्यू 100 ओम है, लेकिन ये जो 92.2 ओम आ रहा है ये इसका मैन्युफैक्चरिंग एरर है इसकी रेजिस्टेंस की। अब क्या है, अगर इस नोब को हम 0.001 पर रखते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे हम अपने नॉन रेजिस्टेंस को। अगर 0.01 पर रखते हैं तो 100 से करेंगे, अगर 0.1 पर रखते हैं तो 10 से करेंगे, 1 पर रखते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 पर रखते हैं 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पर रखते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 1000 पर रखते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज ठीक है या नहीं। तो चेक कर लिया, गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन आया तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क कर रहा है। तो अभी मैं इसको 0.01 पे मैंने रेसो रखा हुआ है, और मैं इसके अननोन रेजिस्टेंस की हेल्प से अपना रेजिस्टेंस को सेट करता हूँ। तो ये मैंने सेट किया 800, तो डिफ्लेक्शन आ रहा है अभी लेफ्ट हैंड पे। फिर मैंने 1000 किया तो डिफ्लेक्शन आ रहा है राइट हैंड पे। फिर मैं इस नोब की हेल्प से करता हूँ तो डिफ्लेक्शन आ रहा है राइट हैंड पे। फिर मैं और इसमें बढ़ाता हूँ, डिफ्लेक्शन अभी राइट हैंड पे। फिर मैंने और बढ़ाया तो लेफ्ट हैंड पे। तो हमें जब ये डिफ्लेक्शन दोनों दिशा में, दोनों डायरेक्शन में सेम हो जाता है, दोनों तरफ बड़ा होता है, उस टाइम हमारा रेजिस्टेंस फाइंड हो जाता है कि कितने हमारा ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम इस नोब को देख रहे हैं कहाँ पे, ये है 10 पे। तो 10 का मतलब 10 में 1000 की गुना करी तो 10000 ओम, और 10000 ओम में यहाँ रेशो है 0.01, तो इसका मतलब 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड किया 10000 को तो कितना आया 100 ओम। तो इस तरह से हमने अपना रेजिस्टेंस को फाइंड कर लिया कि हमारा रेजिस्टेंस कितने ओम का है। ओके, थैंक यू।